Assalamu alaikum students and welcome to Global Virtual School. Students, this is your first year chemistry class and today we are starting chapter number 4 gases. और आज हम जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस मींस के उसमें हम उसके पास्टुलेट्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे. देन मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस, के गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कैसी होती है. तो पास्टुलेट्स से मुराद होता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से उसके इम्पॉर्टेंट फिजिकल करेक्टर्स हैं और उनकी मूवमेंट के बारे में. तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, दिस टॉपिक, यू विल बी एबल टू लिस्ट द पॉस्टुलेट्स एंड यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. स्टूडेंट्स, अगर हम रिकॉल करें अपने प्रीवियस ग्रेड्स में गैसेस की जो हमारे पास मैटर है उसके स्टेट्स के बारे में पढ़ा, उनकी हालतों के बारे में पढ़ा होगा कि एक हमारे पास वो लिक्विड गैशियस हालत होती है, लिक्विड होती है और सॉलिड होती है. लेकिन यहाँ पे हम एक फोर्थ वन भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, दिस चैप्टर. स्टूडेंट्स, गैस, लिक्विड, सॉलिड्स या प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है वो मैं यहाँ से सॉलिड से स्टार्ट करके आपको मैं बताऊंगी कि सॉलिड में बेसिकली क्या होते हैं. सॉलिड के यानी जिन पार्टिकल्स से सॉलिड बना होता है वो पार्टिकल्स आपस में उनकी बेसिकली जो जो उनकी ये स्टेट्स हैं या हालत हैं उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पे ही है ना कि किसकी प्रॉपर्टीज उससे किस तरह से वेरी करती हैं, कौन सी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती है जिसकी बेस पे हम डिस्टिंक्शन करते हैं कि ये सॉलिड होगा, ये ठोस होगा, ये लिक्विड होगा, माया जिसको हम कहते हैं, और ये गैस होगा कि ये गैशियस फॉर्म में होगा. तो सबसे पहले है जैसे ये आपके पास है सॉलिड. अब सॉलिड में क्या है कि गैस के मैटर के जितने भी एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज अटैच है, इनमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और इनके एटम्स के दरमियान में या इनके पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेस नहीं होती है. ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अटैच होते हैं और ये एक सॉलिड, एक ठोस सी कंडीशन में होते हैं. अगर हम इसको हीट करें तो इन्हीं पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो थोड़ी वीक हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है, कुछ बनती हैं फिर ब्रेक होती हैं और वीक होती हैं. तो इसमें ये क्या होता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल एक से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन ये रहते एक दूसरे के साथ साथ हैं, यानी कि ये बहुत डिस्टेंस पे चले जाते हैं. अगर बीच में गैप आया तो उस गैप को कोई और एटम फिल कर लेगा, कोई और पार्टिकल फिल कर लेगा. तो इनके जो वॉल्यूम सेम रहता है, यानी कॉन्स्टेंट रहता है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आती, लेकिन सिर्फ ये होता है कि ये बह जाता है. इनकी खासियत है ये लिक्विड होता है, यानी ये बहने की प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड में नहीं होती. सिर्फ ये कि इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो वीक हो जाती है. जैसे कि एग्जांपल पानी है या कोई ऑयल आप समझ लें, कोई सा भी सॉलिड में आप कोई सा भी सॉलिड, कोई स्टोन आप समझ लें, कुछ भी जो हार्ड है, तो वो सारे सॉलिड्स की एग्जाम्पल है. इन्हीं को अगर आप थोड़ा फर्दर हीट किया जाए, अगर मैं वही एग्जांपल वाटर की लेके चलती हूँ उसको हीट करेंगे तो आपको वेपर्स बने हुए होंगे, हवा में जाते हुए नजर आएंगे. होता क्या है कि इन पार्टिकल्स के दरमियान में ये जो फोर्स है ये बिल्कुल नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर, यानी ब्रेक हो जाती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे से खासे डिस्टेंस पे चला जाता है. तो अब ये डिस्टेंस पे चला जाता है तो ये जितने ये बड़ा वॉल्यूम होगा तो उसमें भी हर कोने में ये फैल जाएंगे, छोटा है तो उसी भी किसी हर कॉर्नर में ये पहुंच जाते हैं थ्रू देयर डिफ्यूजन प्रोसेस. तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती है, ना होने के बराबर होती है या नहीं होती है. और ये एक से दूसरी जगह बहुत तेजी से, इनकी मूवमेंट भी ज्यादा तेज होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स. तो इनमें ये फर्क है. जबकि प्लाज्मा में क्या है कि अगर इसी गैस को बहुत ज्यादा हीट किया जाए, ओवर हीट किया जाए, तो फर्दर क्या होगा, पहले तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ब्रेक हो, फर्दर हीटिंग से क्या हुआ, इनके जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स है वो निकलेंगे. जब जहां पे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बनेगा. तो ये जो एक मिक्सचर है जिसमें एक न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं, जिसमें पॉजिटिव आयन भी है, एक नेगेटिव चार्ज भी है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इस मिक्सचर को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं. तो प्लाज्मा स्टेट एक गैसियस स्टेट है जो कि एक मिक्सचर है न्यूट्रल पार्टिकल्स का, पॉजिटिव आयन्स का और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट.
यहाँ पे एक और आपको मैंने ये सामने एग्जाम्पल, ये देखें सॉलिड के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, इसमें वीक बॉन्ड्स होते हैं, इसमें ऑलमोस्ट नो बॉन्ड्स होते हैं गैसेस में, और जो आयनाइजेशन अगर उनकी हो जाए तो वो फिर क्या कहलाती है, दैट इज प्लाज्मा स्टेट। एंड स्टूडेंट, जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो गैसेस की हैं, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि गैसेस एट ए गिवन टेम्परेचर, कि एक खास टेम्परेचर पे अगर आप गैसेस की प्रॉपर्टीज को देखें, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, और इवन टेम्परेचर चेंज करने से वो और तेजी से अपनी शेप और वॉल्यूम को चेंज करते हैं। यानी अगर आप गैस एक बैलून में भी अगर आप लेते हैं, उतनी ही गैस एक बड़े किसी कैन में लेते हैं तो वो भी पूरा उसका वॉल्यूम होगा, अगर वो एक छोटे बैलून में आता है तो वो भी उसका पूरा वॉल्यूम होगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं और वो कंटिन्यूस मूवमेंट में होते हैं। और शेप क्या होगी, जिस कंटेनर में यानी जिस बर्तन में आप उसको रखेंगे, जिस चीज में उसको रखेंगे, वही उसकी शेप होगी जो उस कंटेनर की या उस बर्तन की शेप होगी। सपोज आपके पास यही हमारे पास एयर है, अगर हमने एयर को बैलून के अंदर डाला तो अब उस एयर की जो बैलून के अंदर उसकी शेप क्या है, जो बैलून की शेप है। अगर ये इस पूरे रूम में है तो एयर की शेप क्या है, जो पूरे रूम की शेप है। इसी तरह से किसी एक हमने लॉन्ग ट्यूब में डाला है तो उसकी शेप क्या होगी, जो लॉन्ग ट्यूब की शेप है। इसलिए गैसेस की ना डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ साथ आ जाएंगे, एक्सपैंड करेंगे तो एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाएंगे। सो गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, एंड ऑल गैसेस डिफ्यूज टू फिल द स्पेस अवेलेबल टू देम, क्योंकि ये मूव करते हैं तो ये हर पॉसिबल जगह पे पहुंच जाती हैं। यानी अगर रूम में यहाँ से अगर हम कोई चीज स्प्रे लेट स्पोर करेंगे तो वो वेपर आहिस्ता आहिस्ता पूरे रूम में हर कॉर्नर में फैल जाएंगे। और डिफ्यूजन अगर लिक्विड और गैसेस में हो तो इसको हम इंटीमेट मिक्सिंग कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज इंटीमेट मिक्सिंग, तो आप बताएंगे कि डिफ्यूजन व्हेन टेक प्लेस बिटवीन अ लिक्विड एंड अ गैस, देन इट इज नोन एज इंटीमेट मिक्सिंग। हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा माहौल है जहाँ पे अर्थ प्लैनेट पे हम रह रहे हैं, ये एक मिक्सचर है गैसेस का जिसको हम एयर कहते हैं। एयर के अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, 21% ऑक्सीजन होती है, और रिमेनिंग जो 100 में से है वो बाकी दूसरी गैसेस पाई जाती हैं। तो मेजर कंपोनेंट इसके नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। और इनफैक्ट अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए इमेंस सिस्टम ऑफ गैसेस, यानी बहुत सी उस पर गैसेज होती हैं और बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं जिनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं होती, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स के अंदर होती है, जो अपनी खुराक बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के पास, तो वो एयर और सनलाइट को यूज करते हुए वाटर को तो वो अपने लिए खुराक बनाते हैं, जो फर्दर एनिमल्स भी उसको यूज करते हैं। कंबस्शन प्रोसेस होता है, कंबस्शन बेसिकली नेचुरल गैस मीथेन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, और वो हम यूज करते हैं विंटर में अपने होम्स को गर्म रखने के लिए या फूड कुकिंग के लिए। उसके अलावा हम जो गाड़ियां चलाते हैं इंजन के अंदर, वहां पे एज ए फ्यूल भी उसको यूज किया जाता है। अब हम आते हैं कि व्हाट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, किसने पेश की, उसमें फर्दर किसने काम किया, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या, उसके अकॉर्डिंग गैस की क्या प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। फर्स्ट वन, द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस कैन बी थ्योरेटिकली एक्सप्लेन यूजिंग द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दैट वॉज पोस्टुलेटेड, यानी जिसने दी थी, जिसने पॉइंट्स बताए थे, वो था डेनियल ब्रोनली, अ स्विस मैथमेटिशियन था। तो आप ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हु गेव द फर्स्ट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, देन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस वाज इलैबोरेटेड, के फर्दर उसमें काम किया गया और एक्सटेंड किया गया बाय नंबर ऑफ वेल नोन साइंटिस्ट, फिजिक्स सच एज जेम्स मैक्सवेल ने 1859 में कॉन्ट्रीब्यूट किया एंड बोल्ट्जमैन ने 1870 में, जो अब हमारे पास करंट फॉर्म ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। एंड देन इन 1857 क्लॉजियस ही ड्राइव द काइनेटिक गैस इक्वेशन, ये काइनेटिक गैस इक्वेशन है, ये एक फॉर्मूला है जो कि क्लॉजियस ने ड्राइव किया। जबकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सबसे पहले डेनियल ब्रोनली ने डिस्कस की, पेश की, जबकि इसमें फर्दर जेम्स मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी। तो यहाँ से आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है आपको डिफरेंट ऑप्शंस देके।
So what are the basic or main postulates? First of all, gases are considered to be composed of minute discrete particles called molecule. कि गैसेस हम कंसीडर करते हैं कि ये किस चीज से बनी होती हैं, यानी मैं एक कंटेनर बनाती हूँ उसके अंदर एक गैस बनाती हूँ, दैट कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट डिस्क्रीट पार्टिकल्स, यानी ये पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं, फासले पे होते हैं, अलग अलग होते हैं. तो गैस के मॉलिक्यूल्स बेसिकली यानी ये है. मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली इन स्ट्रेट लाइन अंटिल दे कोलाइड विद वन अनदर और विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. कि अगर एक गैस मॉलिक्यूल है कंटेनर के अंदर, तो वो एक लाइन में यानी एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जी एक्सिस में कहीं पे भी वो कंटिन्यूस ऐसे स्ट्रेट मूव करेगा. कब तक स्ट्रेट मूव करेगा? अंटिल अनलेस कोई और इसके साथ, अगर कोई और इधर से कोई मूव करता है टक्कर लगाएगा तो ये इधर मूव कर दे, या फिर वो वॉल्स के साथ जाके टक्कर लगाएगा. अदरवाइज मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, रैंडम मूव करते हैं, एक्स एक्सिस में होंगे, वाई एक्सिस में होंगे, जी एक्सिस में भी होंगे, इनके दरमियान में किसी एक्सिस में होंगे, लेकिन वो ऐसे स्ट्रेट मूव करते हैं. वो कब टकराते हैं, जब कब वो डायरेक्शन चेंज करते हैं, जब उनके साथ कोई दूसरा मॉलिक्यूल हिट करे, या फिर ये वॉल के साथ यानी जिस कंटेनर के अंदर है उसके वॉल के साथ हिट करेंगे, तो वो फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, यानी कोलाइड उसको हम कहते हैं कि वो कोलाइड करते हैं या अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ या फिर वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ, अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन मूव करते रहते हैं. थर्ड पॉस्टुलेट है कोलिजन, कि ये जो टकराना है अमंग द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन वो होती है कि अगर ये एक किसी और गैस के मॉलिक्यूल से टकराया है, तो इसने सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है, इसकी एनर्जी को कोई फर्क नहीं आएगा. तो कोलिजंस इन विच देर इज नो चेंज ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, यानी उनकी जो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट रहती है. इन इलास्टिक कोलिजंस वो होते हैं जिसमें एनर्जी चेंज हो जाए, यानी टकराने के बाद उसकी एनर्जी कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, पिछले की कम हो जाए या कम हो जाए, इस जिसके साथ टकराया उसकी ज्यादा हो जाए, तो वो इन इलास्टिक कोलिजंस कहती हैं. लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन है यानी टकराना है, दैट इज इलास्टिक. इलास्टिक कोलिजन से मुराद है कि एनर्जी उनकी सेम रहती है, ना गेन होती है ना लूज होती है, जस्ट उनकी डायरेक्शन बदलती है कि टकराने से वो किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन उनकी एनर्जी सेम रहती है. फोर्थ वन पॉस्टुलेट है द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर थॉट टू बी ऑफ द सेम मास एंड साइज बट आर डिफरेंट फ्रॉम गैस टू गैस. ऑब्वियसली अगर इसमें एक है हाइड्रोजन गैस मैंने इसमें रखी है, तो हाइड्रोजन गैस के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे एक ही साइज के और एक ही मास के होंगे. ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपने एक ही साइज और मास के होंगे, वो डिफरेंट नहीं होंगे अंटिल अगर आप उसको मिक्स नहीं करते हैं. तो सो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर थॉट टू बी ऑफ द सेम मास एंड साइज बट आर डिफरेंट फ्रॉम गैस टू गैस. ऑब्वियसली एक गैस टू दूसरे गैस तो उनका आपस में फर्क होगा, लेकिन विद इन द सेम गैस उनके पार्टिकल्स का मास एंड साइज सेम होता है. फिफ्थ वन पॉस्टुलेट है द प्रेशर इज प्रोड्यूस ड्यू टू कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रेशर. प्रेशर होती है कि फोर्स लगानी पर यूनिट एरिया. जिस तरह से एक बैलून के अंदर है जो मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर पे प्रेशर हिट करके एक प्रेशर दबाव डाल रहे हैं, वो जिस फोर्स के साथ जितने एरिया पे दबाव डाल रहे हैं वो उसका प्रेशर कहलाएगा. तो ये प्रेशर कैसे प्रोड्यूस होता है? टकराने से, कोलिजन से. आपस में टकराया, डायरेक्शन बदली और वो वॉल्स के साथ जाके टकराया, तो जो वॉल्स पे जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द प्रेशर. और वो किस वजह से? ड्यू टू कोलिजंस, के टकराने की वजह से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है गैस मॉलिक्यूल्स में, तो वो यानी गैस मॉलिक्यूल्स दे एग्जर्ट द प्रेशर ड्यू टू कोलिजन. कि वो प्रेशर क्यों एग्जर्ट होता है? वो कोलिजन की वजह से होता है. अगर ये प्रेशर बढ़ता जाए लेट्स सपोज बैलून के अंदर, तो बैलून क्या होगा? फट जाएगा. तो वो डिपेंड करता है कि इनकी मूवमेंट कितनी फास्ट या स्लो है. फोर्सिस पास्टुलेट है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. कि जो उसकी किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी यानी जिस स्पीड के साथ वो मूव कर रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल? टेम्परेचर. टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा तेजी से मूव करेंगे. टेम्परेचर कम होगा तो वो स्लो मूव करेंगे.
So it means higher the temperature, greater will be the molecular kinetic energy. Lower the temperature, lesser will be the molecular kinetic energy. Seventh one, at relatively low pressure, यानी ये गैस है एक कंटेनर में है, अगर उसका प्रेशर कम है तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस कम है और वो मूव स्लो कर रहे हैं. द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर लार्ज एज कम्पेयर विद मॉलिक्यूलर डायमीटर. कि अगर प्रेशर कम है तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा है उनके डायमीटर उनके साइज से. अगर प्रेशर क्या है उसका प्रेशर हाई है तो उनके दरमियान में डिस्टेंस क्या होगा कम होगा उनके अपने डायमीटर से. तो लो प्रेशर का मतलब है कि वो ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं और उनका मॉलिक्यूल्स का साइज डिस्टेंस से कहीं बहुत ही कम होता है. एट वन पॉस्टुलेट है देर आर नो अट्रैक्टिव आर रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती कि उनके अकॉर्डिंग एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पे होते हैं उनके दरमियान में ना तो अट्रैक्शन यानी खींचने की आपस में होती ना रिपल्शन एक दूसरे को दफा करने की किसी भी टाइप की उनमें फोर्सेस नहीं होती. और बेसिकली यही वजह है कि ये हम इसको फॉल्टी अजम्पशन भी कहते हैं क्योंकि कुछ गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो वो कैसे कन्वर्ट होते हैं जाहिर बात है उनके दरमियान में ऑफकोर्स अट्रैक्शन हो जाती है. तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वाले लॉज जो होते हैं या ये जो थ्योरी पास्टुलेट्स हैं ये आइडियल गैसेस तो उसके अकॉर्डिंग क्या है आइडियल गैसेस के अकॉर्डिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग गैस के मॉलिक्यूल में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती. वे ये कहते हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. एक कंटेनर के अंदर जितने भी गैस है तो वो एक टोटल उस गैस का वॉल्यूम है. और जो एक गैस के अपना यानी जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है जो उनके एटम्स या जिस साइज के भी हैं वो कहते हैं वो नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. कि वो इतना कम होता है कि टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में हम कहते हैं कि नेग्लिजिबल है. लेकिन ये भी रियल में ऐसा नहीं है कि अगर आप गैस मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करें तो वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. अगर हम उसका प्रेशर बढ़ा दें तो गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज क्लोज हो जाएंगे तो हाई प्रेशर पे फिर वो नेग्लिजिबल नहीं रहता. तो ये भी उसके फॉल्टी अजम्पशन कहलाता है इस सेंस में कि ये वाले अप्लाई होते आइडियल गैसेस पे रियल पे नहीं अप्लाई होते. सो दैट वाज पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. और काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो मैंने पहले भी बताया कि आज क्लॉजियस ने डिड्यूस किया था एक इक्वेशन प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस का जिसके अकॉर्डिंग दिस इक्वेशन इज पी इक्वल्स टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर बार. बेसिकली ये बार है सी स्क्वायर इसके ऊपर एक बार लगी ऐसे एक लाइन होती है सी स्क्वायर बार हम इसको कहते हैं जहां पे पी शो करता है प्रेशर को प्रेशर ऑफ द टोटल गैस वी वॉल्यूम ऑफ द टोटल गैस एम दिस इज द मैस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल के एक गैस का मैस कितना है एंड दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस कि अगर आप मैस को उस गैस के मोलर मैस से डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रो से तो आपके पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे वो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करें. और सी स्क्वायर बार से मुराद है मीन स्क्वायर वेलोसिटी के एक एवरेज वेलोसिटी है क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स थोड़े स्लो होंगे कुछ हाई होंगे कुछ मीडियम होंगे तो टोटल उनके एवरेज होता है जिसको हम कहते हैं मीन स्केयर वेलोसिटी. स्केयर यानी उसका स्केयर लिया हुआ है टू उस पे लिखा हुआ है दैट इज द मीन स्केयर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. तो इसको आप इस तरह से भी समझ लें कि हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस अंडर द गिवन कंडीशन दे डू नॉट हैव सेम वेलोसिटी. के एक कंडीशन में सेम वेलोसिटी हर मॉलिक्यूल की सेम नहीं होती है कुछ की थोड़ी कम होती है कुछ की ज्यादा होती है कुछ की दरमियानी सी होती है कुछ की बहुत फास्ट होती है. तो हम कंसीडर करते हैं जैसे कि एक पूरे एक जैसे एक कंटेनर है ये इसके अंदर डिफरेंट है गैस के मॉलिक्यूल. समझते हैं कि इसमें 20 25 30 ऐसे हैं यानी वो मोल्स या पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी c1 है कुछ और 25 30 40 ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी c2 है उसको हम कहते हैं वो n2 है. इस तरह से कुछ और है 100 200 ऐसे हैं जिनकी एक और वेलोसिटी है जिसको हम C3 के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको कहते हैं कि ये नंबर ऑफ
C3 हम इसको कहेंगे. तो जब हम उसको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज मींस के एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी. सो यानी ये ग्रुप ऐसा है N1, इसकी वेलोसिटी C1 है उसका स्क्वायर के साथ. ये N2 ऐसा ग्रुप है जिसकी वेलोसिटी C2 है, और इसके अलावा उनका स्क्वायर लिया प्लस C(N3)C(3) एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो इसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी मीन यानी एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी. अगर इसी का स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो हम इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की भी एक वैल्यू है जो कि 3RT/m है, और यहां से ये शो कर रहा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है मोलर मास के. तो किसी गैस का मोलर मास ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, जाहिर मतलब वो हैवी है. अगर उसका मोलर मास कम है, वो लाइट गैस है, तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो ज्यादा तेजी से मूव कर पाएगा. अब हमारे पास है कि व्हाट इज द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस. अब ये तो हमें पता चल गया अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ हैपहैज़र्ड मोशन, के कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है किसी भी डायरेक्शन में. तो एक दे पोजेस सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी या उनकी जो मूवमेंट कम या ज्यादा होती है कैसे, टेम्परेचर कम या ज्यादा करने से. तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मोशन गैसेस की 3 टाइप्स की होती है. एक होती है ट्रांसलेशनल मोशन. स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशनल मोशन से मुराद है कि वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करते जा रहे हैं, ऐसे इधर जा रहे हैं तो सीधा जाएंगे, यहाँ जा रहे हैं तो भी सीधा जाएंगे. यानी वो एक वो डायरेक्शन कब चेंज करेंगे, जब कोई उनसे टकराएगा. तो ट्रांसलेशनल मोशन जो होती है वो एक स्ट्रेट पाथ पे होती है. द मोशन इंपॉर्टेंट टू द गैस मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन. वो एक ही रास्ते पर चलते जा रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में है. And the energy is kinetic translation energy इसको हम कहेंगे. So in this case the entire molecules move from one place to the other place. क्योंकि इस motion की वजह से एक से दूसरी जगह चले जाते हैं, एक से दूसरी जगह move करते हैं. दूसरी हमारे पास rotational motion, rotate करना, कि एक axis के गिर्द किस तरह से rotate करता है. ये molecule है तो ऐसे ऐसे rotate कर रहा है, या ऐसे ऐसे rotate कर रहा है, या ऐसे ऐसे rotate कर रहा है, ऐसे ऐसे rotate किसी भी direction में वो move कर रहा है. तो द मोशन इंपॉर्टेंट टू द गैस मॉलिक्यूल्स एज अ रिजल्ट ऑफ नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, एंड द एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी. वाइब्रेशनल मोशन क्या होती है, जिसको हम जैसे ओसिलेशन होती है ना, आगे पीछे ऐसे ऐसे, एक ये सेंट्रल पॉइंट है, इधर भी जाता है इधर भी जाता है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन. मोशन इंपॉर्टेंट टू द गैस मॉलिक्यूल्स ड्यू टू ऑसिलेशन, यानी आगे पीछे मूव करना, इस कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन. एनर्जी इज काइनेटिक वाइब्रेशनल मोशन. वाइब्रेशनल मोशन में ये होता है कि एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में इंटरचेंज होती रहती है. तो सो हम कहते हैं कि टोटल जो एनर्जी है एज वाइब्रेशनल, दैट इज इक्वल टू वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे इनकी मूवमेंट है. ये है ट्रांसलेशन, यानी ये एक ये मॉलिक्यूल है ये वाला, और ये मूव करता आ रहा है सीधा लाइन पे मूव. दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन. अब ये एक मॉलिक्यूल है रोटेशनल, कि ये अब इस एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, या फिर ये इस एक्सिस पे ऐसे, यानी किसी भी एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है, उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं. ये हमारे पास वाइब्रेशन, यानी ये अब सेंट्रल मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम को लें तो ये आगे पीछे ऐसे मूव कर रहा है. अगर हम इस मॉलिक्यूल को लें तो ये अपनी जगह पे ऐसे आगे पीछे मूव कर रहा है, ऐसे आगे पीछे, या इसमें से दो इधर मूव कर रहे हैं फिर इधर मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन. ये इस पिक्चर से थोड़ा और क्लियर होगा. ये देखें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, कि ये एक से दूसरी जगह किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं स्ट्रेट. रोटेशनल, ये रोटेट कर रहे हैं कि इधर से ऐसे रोटेट कर रहा है या ऐसे. वाइब्रेशनल, ये स्प्रिंग की तरह जैसे कि अंदर भी आते हैं और बाहर, अंदर बाहर, इस तरह से ये वाइब्रेट करते हैं. तो ये उनकी सारी मोशंस हैं गैस पार्टिकल्स की. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, फॉल्टी पोस्टुलेट्स भी पूछे जा सकते हैं जो मैंने अभी पॉइंट आउट किए हैं. इसके अलावा
कि थ्योरी किसने पेश की, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है, ये एमसीक्यूज में, ये शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, मोशंस के बारे में पूछा जा सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट पास्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड इट्स काइनेटिक गैस इक्वेशन एंड देन मोशन ऑफ द पार्टिकल्स. आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल. फिर हम स्केल बताएंगे चार्ल्स लॉ के बेस पे जो है, और दूसरा हम रिलेशन बताएंगे टेम्परेचर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का और गैस प्रेशर इन द लाइट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी.